ध्यान मुद्रा में सब लोग बैठे हैं। पुराने सब जानते हैं कि कैसे बैठना चाहिए और ऐसा अभ्यास करते होंगे, लेकिन जो अभ्यास नहीं करते हैं और जो नए आए हैं उनके लिए कुछ बताऊं कि बैठें कैसे। योग दर्शन में आया है एक सूत्र, स्थिर सुखासनम। ध्यान में बैठने के लिए, ध्यानाभ्यास के लिए आसन कैसा हो? स्थिर सुखासनम, स्थिर पूर्वक और सुखपूर्वक बैठ सकें। कोई निश्चित आसन के लिए प्रतिबंधित नहीं किया है योग दर्शनकार। आप देखें कि आप स्थिर पूर्वक और सुखपूर्वक अर्थात आराम से किस आसन में बैठ सकते हैं। पलथी मार के बैठे हैं, पद्मासन, अर्ध पद्मासन, और कुछ लोग वज्रासन में भी बैठकर ध्यानाभ्यास करते हैं। जैसा अभ्यास हो, बस शर्त है स्थिर पूर्वक और आरामदायक सुखपूर्वक। दूसरी बात है आप सीधे बैठें, आपकी रीढ़, गला और सिर बिल्कुल सीधाई में हो, अर्थात आप समझ सकते हैं जैसे 90 अंश का कोण बनता है, बिल्कुल सीधी खड़ी रेखा एकदम सीधी हो वैसा। तीसरी बात है सीधा हो लेकिन अकड़ के ना हो, ये पूरा ध्यान रखा जाए। शरीर के किसी भी अंग में तनाव न हो, सीधे हों लेकिन ढीले हों, रिलैक्स में, बिल्कुल आरामदायक स्थिति में तन कर बैठेंगे तो बहुत जल्दी आप थक जाएंगे। लेकिन बहुत ढीला ढाला सिर झुका के, कमर झुका के बैठेंगे तो फिर आप आलस्य और प्रमाद से घिर जाएंगे। तो ये बीच की स्थिति है, सीधा बैठें और रिलैक्स होके बैठें, आरामदायक मुद्रा में बैठें। हाथों की स्थिति आपकी सुविधा के अनुसार, चाहे घुटनों के ऊपर रखें या फिर गोदी में रखें, जैसा हो। उसके लिए भी शर्त वही है, स्थिर हो और आरामदायक स्थित हो। ये नहीं कि थोड़ी थोड़ी देर बाद हाथ को फिर यहाँ फिर वहाँ, ये नहीं। थोड़ा आप मेहनत करें, तपस्या करें, हाँ कष्ट ज़्यादा हो तो आप परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन थोड़ी देर में छटपटाने लगे, परेशान, तो थोड़ा सहें इस चीज़ को। आँखें बंद हों, इधर उधर न देखें, मेरी ओर भी न देखें, बाजू वाले को न देखें, पीछे उलट के न देखें, घड़ी न देखें, सभी लोग आंखें बंद करें। मैं देख रहा हूँ कुछ लोग अभी भी आंखें खोलकर इधर उधर देख रहे हैं, बिल्कुल आंखें बंद हों। और आंखों को बंद करते समय एक सावधानी चाहिए, पलकों में कहीं दबाव ना हो, आंखों की पलकें बिल्कुल ढीली हों, कोई प्रेशर ना हो किसी प्रकार, बिल्कुल जैसे आप अपने आप मानो पलक गिर आई हो, बहुत धीरे से। और चेहरा प्रसन्न हो, माथे पर कोई सिकन न हो, भौहों में, भौहों के बीच भी कोई सिकन न हो, बिल्कुल ढीला ढाला और प्रसन्न मुद्रा, मानो मुस्कुराता हुआ चेहरा, बिल्कुल प्रसन्न लगे आप। कोई उदासी और गंभीरता की आवश्यकता नहीं है, किसी प्रकार आप नाराजगी भरा चेहरा ना बनाए, बहुत प्रसन्न। और फिर कोई अपेक्षा लेके ना बैठें,
किसी प्रकार की अपेक्षा ना हो कि अब तो बस परमात्मा के दर्शन होने वाले हैं, आत्म साक्षात्कार हो ही जाएगा, ये होगा वो होगा, ये सारी अपेक्षाएं आपको भटकाएंगे। निरपेक्ष भाव से प्रारंभिक स्थिति है, इसलिए हम सबको एक आधार लेकर के चलना है, अवलंब लेना है। आज तो केवल इस सत्र में एक ही बताता हूँ, फिर अगले सत्र में इसका विस्तार से क्रिया योग के विषय में बता दिया जाएगा। क्रिया योग वह क्रिया जो योग में सहायक हो, वह क्रिया जो योग में सहायक हो, ध्यानाभ्यास में सहायक हो, तो वो काम प्रारंभ करना है। तो शुरुआत क्या करनी है, सांस देखें, सांस आ रही है जा रही है, अपनी ओर से कोई सांस संबंधी प्रक्रिया नहीं अपनानी है, कोई प्राणायाम की क्रिया नहीं करनी है। हाँ, आप यदि आरंभ हो तो कर सकते हैं, गहरी लंबी सांस लें, ये स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद है। फिर तो सामान्य श्वास को ही देखना है, सांस आ रही है जा रही है, बिल्कुल धीरे धीरे सांस लें और छोड़ते जाएं। इसको जानने के लिए दो स्थानों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, एक तो नासिका के अग्रभाग जहाँ से ऑक्सीजन प्रवेश करता है और कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, तो नाक के दीवारों से स्पर्श करते हुए हवा निकलती है, आती है, जाती है। तो आप ध्यान रखें कि हवा अंदर आ रही है, सांस अंदर आ रही है और सांस बाहर जा रही है, ये अनुभव करें। दूसरी जगह है आपका नाभि स्थल, पेट फूलता और पचकता है, जब आप सांस लेते हैं तो हल्का सा पेट बाहर आ जाता है, फूल जाता है। और ज़्यादा अनुभव करने के लिए आप अपने हाथ को नाभि के ऊपर रख के कर सकते हैं तो पता चल जाएगा। वैसे सबको पता है सांस छोड़ते हैं तो फिर वह थोड़ा सा पचक जाता है, वहाँ आप ध्यान केंद्रित करें, वहाँ मन लगाएं कि सांस अंदर आई, सांस बाहर गई, बस। जब सांस अंदर जाए तो आप अंदर चले जाएं, सांस बाहर आए तो आप बाहर आ जाएं। सांस रूपी झूले में झूलना है, इधर उधर की बातों को न सोचें, दूसरों की याद न करें, न वस्तु न व्यक्ति न कोई घटना, और यदि याद हो भी जाए तो फिर श्वास में ध्यान केंद्रित करें। सांस आ रही है जा रही है, बिल्कुल शांतिपूर्वक, बड़ी सावधानी पूर्वक सांस को देखते रहें, देखते जाएं, सांस आ रही है जा रही है, धीरे धीरे सांस ले रहे हैं, धीरे धीरे छोड़ रहे हैं, बड़ी स्वाभाविक स्थिति है, कोई मेहनत नहीं है, जो आपके शरीर में घटित हो रहा है बस उसे ही तो देखना है जो हो रहा है। और श्वास आपका जन्म जन्म का साथी है और सदैव साथ देगा जब तक शरीर है, इसलिए सांस का आधार लें। सांस और मन का बड़ा गहरा संबंध है। और ध्यान अभ्यास मन का ही अभ्यास है, मन पर ही काम करना है, इसलिए सभी साधक साधिकाएं पूरी सावधानी पूर्वक देखें, सांस आ रही है जा रही है,
आ रही है जा रही है, बड़ी सरलता से।